एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ह्यूंडई मोटर इंडिया का विजन जो है वो है प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी। कि जब ये कोविड का प्रकोप भारत में और बाकी विश्व में आया तो काफी कुछ ऐसे हमारे वर्ग के लोग थे जिनकी जो लाइवलीहुड है वो लॉस हो गया। चाहे हम डेली वर्कर्स की बात करें या चाहे हम हेल्थ लोगों की बात करें, काफी जगह पर लोगों को मुसीबतें आई, फैमिली प्रॉब्लम्स आई। एक हमारा ऐसा वर्ग है जिसको शायद सब लोगों ने भुला दिया और वो था हमारे यंग आर्टिस्ट। इंडिया इज अ वेरी बिग कल्चरल कंट्री, हमारे यहाँ पर हेरिटेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है और आई थिंक जितने एक विश्व विख्यात मॉन्यूमेंट्स जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संजो के रखा है वो सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स इंडिया में हैं। और ये सबके किसके कारण है? हमारे आर्टिस्ट भाइयों के कारण। चाहे मैं विजुअल आर्ट की बात करूं, परफॉर्मेंस आर्ट की बात करूं, या मैं किसी तरह के आर्टिस्ट या म्यूरल्स की बात करूं, तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े कारीगर हैं जो कि इन सब कारों को अंजाम देते हैं। बट कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सारी की सारी जो गतिविधियां थी बंद हो गई। उसी तरह से जो आर्टिस्ट का जो काम था, उनका जो कार्य था या उनकी जो भी एक डेली की जीविका थी, वो भी किसी तरह से, खासकर उनका आर्टिस्ट का जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने को नहीं ले जा सकते, जो कि एक मिडिल क्लास लेवल में है या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी प्रदर्शनी दिखा सके या अपने आर्ट को लोगों की तरफ लेके जाए। तो हमने पिछले साल अक्टूबर में इस आर्ट फॉर होप प्रोग्राम का एक अंदाज दिया और इसमें हमने क्या किया कि हमने पूरे भारत में एप्लीकेशन इन्वाइट की उन आर्टिस्ट से जो अपने फील्ड में माहिर है। तो हमने इन सब लोगों को बुलाया, हमने तीन मेंटर्स, आर्ट के एरिया के बड़े प्रमुख जो मेंटर्स हैं जो कि आर्ट को समझते हैं, हमने उनको रखा, उनके साथ हमने समन्वय किया, उनसे हमने चीजों को समझा और हमारे पास 163 एप्लीकेशंस आई आर्टिस्ट की। फिर हमारे ये जो तीन हमारे जो पैनल जूरी मेंबर्स थे और हमारे दो ह्यूंडई की तरफ से हमारे जो मेंटर्स थे, इन्होंने उन सारे कार्यों को देखा और उसमें से उन्होंने 25 ऐसे कारीगरों को चुना जो कि अपने क्षेत्र में माहिर है और इन 25 के 25 कारीगरों को हमने 1,00,000 रुपए का एक ग्रांट दिया दिसंबर के मंथ में और इनको 2-3 महीने का टाइम दिया कि अब आप इन 3 महीनों में अपने कार्य को क्रमित कीजिए, अपनी जो आपकी एक सोच है, आपका जो एक कार्यक्रम है या आपका जो एक स्किल है उसको आप बनाइए और हम मार्च में उन सबको विश्व को दिखाएंगे। अब 11 मार्च को इन सब 25 के 25 आर्टिस्ट ने जो अपनी कारीगरी दिखाई है वो हम डिस्प्ले पे लाएंगे। यहाँ पर दिल्ली में ही स्थित बड़ा फेमस बीकानेर हाउस है जहां पर इनकी एक प्रदर्शनी लगेगी। ये प्रदर्शनी 11 मार्च से लेके 15 मार्च तक होगी, जबकि हमारे देश के नागरिक लोग जो आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं वो आके इनको देख सकते हैं, इनकी पेंटिंग को सराहना करेंगे और बाद में अगर चाहे तो ऑन अ प्लेटफॉर्म ये अपनी पेंटिंग्स को, अपने आर्ट को, अपने जो स्किल्स हैं उनको सेल भी कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि उनकी एक लाइवलीहुड बनेगी और उनका जो आर्ट है वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हम मुहैया कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।